क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर हमारा शो क्राइम थ्रिलर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट सिमरन शुक्ला। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। क्राइम थ्रिलर, अपराधी को करे बेनकाब, जुर्म को ना करे नजरअंदाज। दुनिया में तमाम मसले जर, जोरू और जमीन के लिए ही होते हैं। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो इंसान से कुछ भी करवा सकती हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो इंसान इन सब को पाने के लिए अपना ईमान, अपना जमीर और सबसे बढ़कर अपने तमाम रिश्तों को भी वो दांव पर लगा देता है, या उसकी बलि चढ़ाने से भी नहीं चूकता। मतलब मरता मर जाए पर जमीन का एक टुकड़ा तो छोड़िए, सुई की एक नोक के बराबर भी जमीन किसी को ना दे। यही बात संपत्ति पर भी लागू होती है। जान जाती है तो जाए, खून बहाना पड़े तो भी पीछे नहीं हटते। और बात अगर जोरू यानी स्त्री की हो तो हंगामा करना, मार काट करना, चोट पहुंचाना, खून खराबा, कुछ भी, मतलब सब कुछ, यानी सारी हदें पार। अब बात करते हैं माँ की। एसी की ठंडक ना दे, बूढ़े बरगद की छांव तो दे दे, कंक्रीट के जंगल ना दे, बचपन वाला गांव तो दे दे। जर, जोरू, जमीन सब फजूल है, मुझे मेरी माँ के जन्नत वाले पांव तो दे दे। ये रचना हास्य कवि हिमांशु बवंडर की है, जिसका अर्थ है कि भले ही मुझे कुछ मत दो पर मुझे मेरी माँ के चरण दे दो, जहाँ स्वर्ग भी फीका है। तो ऐसा है माँ का महत्व, जिसे हमने महज जिक्र किया। जिक्र हमने इसलिए कहा क्योंकि जब देवता भी पृथ्वी पर आते हैं तो उन्हें भी जन्म लेने के लिए एक माँ की जरूरत होती है। तो माँ के बारे में कुछ भी कहना मानो सूरज को दिया दिखाने के समान है। तो चलिए सीधे आज की स्टोरी पर आते हैं। अच्छा, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं उत्तर प्रदेश के उनाव से रामशंकर वर्मा को ये स्टोरी भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। रामशंकर जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच। अब आते हैं आज की कहानी पर। तो आज की कहानी यूपी के उनाव से है, जहां कानपुर के कपड़ा व्यापारी नदीम की हत्या होती है। यह हत्या सुपारी देकर कराई गई थी। 2.5 लाख में सौदा तय किया गया था। 4 जून 2024 को व्यापारी की गर्दन काटने के बाद बॉडी को उनाव के अजगैन थाना क्षेत्र के एक कुएं में फेंक दिया गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। अजगैन थाने में व्यापारी के मामा ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। करीब 45 दिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत की और फिर उसके बाद पुलिस ने कई कड़ियों को जोड़ते हुए मामले का खुलासा कर दिया और फिर जो कुछ भी सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। पुलिस लाइन में एसपी दक्षिण प्रेमचंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। पुलिस के अनुसार मां आरिफा दुकान और मकान बेचना चाहती थी, इससे मिली रकम वो किसी और को देना चाहती थी। इसी बात का बेटा विरोध कर रहा था, जिस कारण से ये हत्या करवाई गई। कानपुर के अलहमद रेसिडेंसी इफ्तिखाराबाद निवासी नदीम की अनवरंज में कपड़े की दुकान थी। 4 जून 2024 को वह दुकान गया पर वापस नहीं लौटा। इसके बाद परिजनों ने इसकी तलाश शुरू की और गुमशुदगी दर्ज कराई और 5 जून को उनाव के अजगैन इलाके में कुएं में एक शव मिला। सूचना पर नदीम के परिवार वाले मौके पर पहुंचे। मां ने बेटे नदीम के रूप में बॉडी की शिनाख्त की और साथ ही हत्या कर शव को फेंकने की आशंका जताई। नदीम के मामा ताहिर की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से अजमेर निवासी सलीम नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने नदीम का कत्ल किए जाने की बात कबूल कर ली। पुलिस के कड़ाई से पूछताछ करने पर सलीम ने बताया कि अजमेर के रहने वाले हसम अली खान ने उसको सुपारी दी थी। जब और तफ्तीश हुई तो पता चला कि हसम अली खान नदीम की मां आरिफा का बेहद करीबी है।
पुलिस ने मां और हसन के रिश्तों को जोड़ते हुए गहराई से जांच की। तब जांच में सामने आया कि मुख्य साजिशकर्ता मृतक की ही मां आरिफा है। आरिफा ने ही हसन अली से बेटे की हत्या कराने को कहा था। 45 दिनों से इधर उधर घटना के खुलासे में भटक रही अजगैन पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के बाद घटना को अंजाम देने की कहानी सुनी तो पुलिस भी दंग रह गई। हत्या के आरोपी ने बताया कि सलीम अजमेर से 3 जून को कानपुर पहुंचा था। आरिफा ने नदीम से कहा कि एक परिचित आए हैं, उनको शहर घुमा दे। नदीम सलीम से मिला और उसे साथ लेकर बिल्हौर मकनपुर गया। इस दौरान नदीम की हत्या करने की पूरी तैयारी थी लेकिन वो कर नहीं पाया था। फिर उसने दूसरे दिन देवा शरीफ जाने की बात कही और 4 जून की सुबह नदीम बाइक से सलीम को लेकर देवा शरीफ गया और जब वो देर रात वापस लौट रहे थे तब अजगैन इलाके में लखनऊ कानपुर हाईवे किनारे दोनों रुके, चरस पी। इसके बाद सलीम बोला कि वो लघु शंका करके वापस आ रहा है और नदीम बैठा रहा। फिर अचानक से पीछे से सलीम ने धारदार हथियार से उसका गला काट दिया। सिर पर भी 1-2 वार किए। कानपुर निवासी कपड़ा कारोबारी की हत्या करने के बाद शव 30 किलोमीटर दूर अजगैन कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ कानपुर हाईवे के किनारे एक कुएं में फेंक दिया गया और फिर अगले दिन सुबह लोगों ने कुएं के पास खून और बाइक पड़ी देखी तो पुलिस को इसकी जानकारी दी। मामले में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। इधर नदीम शाम को ही घर से निकला था पर रात तक नहीं लौटने पर परिजनों ने फोन मिलाया लेकिन बात नहीं हो सकी। फिर अगले दिन सुबह कानपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर दरबारी खेड़ा गांव के बाहर हाईवे से सटे एक कुएं में उसका शव तैरता हुआ पाया गया। गर्दन पर धारदार हथियार से वार करने के निशान पाए गए। उधर हत्यारे ने हत्या करने के बाद वहां से कानपुर सेंट्रल आकर ट्रेन पकड़ी और वापस अजमेर चला गया। 2.5 लाख में हत्या के आरोपी को बुक किया गया था। कुछ पैसा बकाया होने पर वो लेने आया था तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा। घटना के बाद पुलिस ने कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल की। पुलिस जब मां से घटना को लेकर जानकारी लेना चाहती थी तो वह बेहोश होकर गिर जाती थी और टाल मटोल करने की कोशिश करती। तभी से ही पुलिस को मां पर शक हो गया था। पुलिस ने बताया कि कानपुर के कपड़ा व्यापारी नदीम की हत्या करने के मामले में उसकी मां आरिफा और अजमेर के 2 जनों को गिरफ्तार किया गया है। 4 जून 2024 को व्यापारी की गर्दन काटने के बाद बॉडी को उनाव के अजगैन थाना क्षेत्र में कुएं में फेंक दिया गया था और व्यापारी के मामा ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था और करीब 45 दिन बाद पुलिस ने कई कड़ियों को जोड़ते हुए इस हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से लोंगिया गली अजमेर निवासी सलीम नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने नदीम की हत्या करना कबूल किया। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर सलीम ने बताया कि अजमेर के कोटड़ा में रहने वाले हसम अली खान ने उसे सुपारी दी थी। आगे की जांच में पता चला कि हसम अली खान नदीम की मां आरिफा का करीबी है। पुलिस ने मां और हसम के बीच संबंधों को जोड़ते हुए गहराई से जांच की। फिर जांच में पता चला कि मुख्य साजिशकर्ता तो आरिफा है। आरिफा ने ही हसम अली को अपने बेटे की हत्या करने के लिए कहा था। चंद रुपयों के लिए इस तरह से रिश्तों का खून बहाना कहां तक सही है? एक मां और बच्चे का रिश्ता ही सब स्वार्थ से परे होता है। मां तो ऐसी होती है जो बच्चे के गुनाहों को भी अपने आंचल में छुपाकर उसे माफ कर देती है, पर यहां तो आरिफा में मां वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और यहां मां आरिफा पर जरा गौर फरमाते हैं। कपड़ा कारोबारी मोहम्मद नाजिम की हत्या में पुलिस के हाथ शुरुआत में तो खाली थे, कोई सुराग नहीं था। सुराग के नाम पर थी तो कुछ सुनी सुनाई बातें और एक मोटरसाइकिल जो कुएं के पास खड़ी थी। टीम जुटी और परिजनों से पूछताछ शुरू की गई। नाजिम की मां तो पूछताछ से बचती रही लेकिन उसकी बहू ने अपनी सास पर शक जताया। तब पुलिस के कान खड़े हुए। इधर पुलिस को जब नाजिम और सुपारी किलर सलीम की फुटेज टोल प्लाजा से मिली
तब जाकर घटना में पुलिस एक कदम आगे बढ़ी और सीडीआर के जरिए पुलिस सबसे पहले हासिम अली तक पहुंची। उसे पकड़ने और पूछताछ के बाद घटना का खुलासा होता चला गया। पुलिस के मुताबिक नाजिम की मां आरिफा इतनी शातिर थी कि उसने इस पूरे घटनाक्रम में अपना फोन कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया था। 4 जून को जब मोहम्मद नदीम सुपारी किलर के साथ देवास शरीफ से रात में लौट रहा था, तब इरफान ने अपने फोन से नदीम को फोन किया था, जो किसी कारणवश रिसीव नहीं हो पाया था। उसने घटना के दौरान जो भी बातचीत की वो अपने प्रेमी हसन के जरिए की थी। 45 दिन बाद आरोपी की तलाश में जुटी अजगैन पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के बाद घटना की कहानी सुनी तो वो हैरान रह गई। आरोपियों ने कहा कि सलीम 3 जून को अजमेर से कानपुर पहुंचा था। आरिफा ने नदीम से कहा कि कोई परिचित आया है, उन्हें शहर घुमा दे। फिर नदीम की मुलाकात सलीम से हुई, उसे लेकर बिलहौर मकनपुर चला गया। इस दौरान वह नदीम की हत्या करने की तैयारी में था, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि उसे मौका ही नहीं मिला। फिर उसने दूसरे दिन देवास शरीफ जाने की बात कही। चार जून की सुबह नदीम सलीम को बाइक पर बैठाकर देवास शरीफ गया। लौटते समय देर रात हो गई। दोनों अजगैन क्षेत्र में लखनऊ कानपुर हाईवे पर रुके, चरस पी। इसके बाद सलीम ने लघु शंका करने की बात कही। नदीम वहीं बैठा रहा, तभी अचानक पीछे से सलीम ने धारदार हथियार से उसका गला काट दिया। उसने उसके सिर पर 2 वार किए और कुएं में फेंक दिया। वहां से वो कानपुर सेंट्रल आया, ट्रेन पकड़ी और अजमेर चला गया। हत्यारे को 2.5 लाख में सेट किया गया था। हत्यारा कुछ बकाया पैसे लेने आया था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस ने नदीम की मां और उसके प्रेमी को उन्नाव के आजाद मार्ग के पास से गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई चाकू भी मांस फैक्ट्री के पास से बरामद किया गया। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। घटना का खुलासा करने वाली टीम में SHO अवनी सिंह, अपराध निरीक्षक राम नारायण और सर्विलांस टीम से हेड कांस्टेबल राधेश्याम शामिल थे। हत्या ये अगेन थाना क्षेत्र में नदीम नाम के जो जिसकी उम्र 22 साल थी उसकी कर दी गई थी और उसकी लाश को कुएं में डाल दिया गया था। इसमें थाना अजगैन पुलिस द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय का काफ़ी निर्देशन रहा और CEO शासनगंज श्री संतोष कुमार सिंह का भी काफ़ी अच्छा पर्यवेक्षण रहा। टीम लगाई गई, सर्विलांस टीम लगाई गई और थाने की पुलिस की टीम लगाई गई। इन टीमों ने जो है मोबाइल नंबर के आधार पर घटना का अनावरण करते हुए अजमेर निवासी एक सलीम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके बयानों से ये स्पष्ट हुआ कि इस हत्या को नदीम जो मृतक है उसकी मां आरिफा बेगम और उसके एक प्रेमी हासम अली जो अजमेर का निवासी है उसके द्वारा साजिश रच के कराई गई है। कारण ये था कि नदीम अपनी मां के प्रेम संबंधों से वाकिफ हो गया था। उसकी मां कानपुर नगर में जो भी मकान दुकान है उस प्रॉपर्टी को बेचकर वापस अजमेर जाकर बसना चाहती थी, लेकिन नदीम इसमें बाधक हो रहा था, जिस कारण नदीम की माँ आरिफा बेगम नदीम को रास्ते से हटाना चाहती थी और उसने अजमेर के निवासी एक पेशेवर हत्यारे को किराए पर लिया। 2.5 लाख रुपए में हत्या करने का मामला तय हुआ। 16 मई 2024 को सलीम आकर उन्नाव कानपुर नगर उन्नाव होते रेकी किया था और उस समय यह घटना को अंजाम नहीं दे पाया था। बाद में 2 जून को फिर उसको बुलाया गया और इसको बुलाने में इसकी मां ने काफ़ी सहयोग दिया और हासम अली जो अजमेर का निवासी है उसने सलीम को तय किया 2.5 लाख रुपए में और उसको 75,000 रुपए दिए गए थे। उसने 4 तारीख की रात में नदीम को
कानपुर नगर परेड से ले जाकर देवासरी बाराबंकी ले गया। वहाँ से फिर रात में 12 बजे दरबारी खेड़ा थाना अजगंज क्षेत्र में आकर कुएं के पास उसने जो है सलीम को गांजा पिलाने के बहाने बैठाया और चाकू से उसके गला काट कर हत्या करके लाश को कुएं में डाल दिया था। ये हत्या की साजिश में इसकी माँ आरिफा बेगम और हासम अली का हाथ रहा। अजगैन पुलिस द्वारा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए, अच्छी मेहनत करते हुए, इनके परिश्रम से जो है ये घटना जघन्य हत्या की खुली और अभियुक्तगण सलीम और सलीम के जो साजिश में थे आसम अली और मृतक की माँ आरफा बेगम को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। 2010 में एक व्यक्ति की हत्या की थी और जैसा कि उसने बताया और उसने वो जेल में भी रहा 2010 से 2016 तक। 2016 में वो छूट के आया था, तब से उसने बताया कि कोई कार्रवाई नहीं की थी। उसको पैसे की ज़रूरत थी, कह रहा था 3-4 लाख रुपए हमारे ऊपर कर्ज थे और इसी दौरान हमको ये सुपारी मिली और इसलिए हमने जो है 2.5 लाख रुपये लेकर इसकी हत्या करने के लिए तैयार हो गया। नदीम की मां और प्रेमी ने सुपारी देते समय सलीम को सौतेला बेटा होने की बात बताई थी, साथ ही कहा था कि वह उसे घर से निकालना चाहता है। इस पर सलीम रुपए के लिए हत्या करने को तैयार हो गया। वहीं आरिफा बेगम अपने प्रेमी के साथ राजस्थान में रहना चाहती थी और इसी वजह से वो दुकान और मकान बेचने पर तुली हुई थी, लेकिन इकलौता बेटा नदीम इसका विरोध करता था। योजना बनाकर माँ ने हत्या की साजिश रच डाली। 4 जून को निकले और सुनसान जगह उसने नदीम की बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। रिश्ते हमारे जीवन की वो फसलें हैं जिन्हें जिस तरीके से सींचा जाता है वो उसी के अनुसार पैदावार देती है। ये जरूर है कि उनमें गम और खुशी के मौसमों की मार पड़ती रहती है, लेकिन जरूरी ये है कि बावजूद इसके उसकी हिफाजत की जाए, क्योंकि रिश्ते ही हमारी असल पूंजी है। वो कहते हैं ना कि शर्तें लगाई जाती नहीं रिश्तों के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर खामियों के साथ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई जुर्म की दास्तां हो जो आप हमें भेजना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9334722857। क्राइम थ्रिलर, अपराधी को करे बेनकाब, जुर्म को ना करे नजरअंदाज। तो आज के इस शो क्राइम थ्रिलर में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक नई जुर्म की दास्तां लेकर। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।